है। महानगर में रविवार को त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और सिविल फोर्स के जवानों ने चौराहे पर स्थापित मां दुर्गा की हर प्रतिमा और मोहल्ले में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का भ्रमण किया। आपको बता दें, फ्लैग मार्च एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी कैंट एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह और कैंट एवं कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर सहित कई चौकी प्रभारी इस फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। यह फ्लैग मार्च धर्मशाला, गोलघर, शास्त्री चौक, कोतवाली सहित कई स्थानों पर निकाली गई। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आम जनमानस में सुरक्षा का विश्वास स्थापित करने और त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ कैंट एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे व एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, आज सिविल पुलिस रिक्रूट्स और आरएएफ के साथ सारे हमारे चौकी इंचार्ज, थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष, कोतवाली के थाना अध्यक्ष, सभीों के साथ एक फ्लैग मार्च निकाला गया था। जो भी मूर्तियां जहां जहां मेन मेन एरियाज हैं
पर्टिकुलरली ऐसे एरिया जो कि क्राउडेड एरियाज हैं उनमें ये फ्लैग मार्च निकाला गया था सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। ये फ्लैग मार्च कप्तान साहब के निर्देशानुसार गोलघर से होते हुए धर्मशाला तक आए हैं हम, जटाशंकर और कोतवाली क्षेत्र तिवारीपुर क्षेत्र से होते हुए हम यहाँ तक आए हैं। और ये त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में आरएएफ की टीम साथ में रिक्रूट महिला और पुरुष कांस्टेबल्स की टीम कुल लगभग 200 से 300 लोगों की एक फ्लैग मार्च निकाली गई है त्यौहार के मद्देनज़र, ताकि किसी प्रकार की कहीं असुविधा हो तो उसे हम दुरुस्त करा सकें। नहीं, यही है कि त्यौहार में अच्छे सौहार्द के माहौल में सारा कुछ त्यौहार निकले और पुलिस हर जगह तत्पर है, प्रयासरत है, और किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।